नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडिया जेटिन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से हालत काफी गंभीर बनते जा रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ राहत भरी खबर ये आई है कि दिल्ली समेत कुछ राज्यों में कोविड के मामले कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो भारत की स्थिति बहुत भयावह स्थिति बनी हुई थी। इस स्थिति ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। अब हर किसी के दिल में डर है कि आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन प्रवासी भारतीयों जो विदेश में भारत की स्थिति को देख रहे हैं, अपने लोगों के लिए डरे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगी कनाडा से जानी मानी राजनीतिक विशेषज्ञ। मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्होंने 2011 में एमपी का इलेक्शन भी लड़ा था और 35 साल से ये कनाडा में रह रही हैं। काफी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं, काफी एक्टिव तरीके से सामाजिक मुद्दों को ये लेकर आगे आती हैं और भारतीयों के लिए काफी काम कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी प्रीति लांबा जी। प्रीति जी, इंडिया जेटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच तृप्ता जी। पहले तो इंडिया रेडियो की टीम को, सुनने वाले सबको मेरी तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रीति, जैसा कि आप भी न्यूज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत के हालात बहुत गंभीर बने हुए थे। कुछ हफ्ते पहले की बात करें, जिस तरीके से ऑक्सीजन के अभाव में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई, ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए था वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से लोगों ने जान गंवाई। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर ये आई है कि जो दिल्ली जैसे कुछ और राज्य हैं उनमें कोविड के मामले कुछ कम हुए हैं। ये नहीं कहेंगे कि अभी कोविड यहाँ से चला गया, लेकिन मामले कम हुए। आप इन हालातों को किस नजरिए से देखते हैं कनाडा में बैठकर? देखो सच्चा जी, जैसे आपने कहा है कि ये महामारी 2019 से चल रही है, सारी दुनिया भर में ये आई है और इंडिया में, इंडिया को स्पेशली लेकर हम ये देखते हैं कि उसने महामारी ने बहुत बुरी तरह लपेट ली है। तो ये गुड न्यूज तो ये है कि दो दिन से हम भी देख रहे हैं, मैं भी वैसे कनाडा में बैठ के इंडिया की न्यूज बहुत क्लोजली वॉच करती होती हूँ, तो ये दो दिन से नंबर कम आ रहा है, ये सबके लिए हमें खुशी की भी बात है। तो लेकिन हम इतना भी ज्यादा खुश नहीं हो सकते कि भी अगर दो दिन में ये नंबर नीचे आ गया तो हम सोचे कि ये खत्म हो रहा है, होना भी चाहिए। हम प्रेयर करते हैं सारे यहाँ बैठे, हम चिंता, हमें भी चिंता बहुत है इंडिया की। और ये सुनने में यही आ रहा है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल्स लोडेड है और कितने लोगों की मौतें हो रही है, दिन भर सुन के बहुत डिप्रेशन हमें भी होता है। वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज जो आती है। हम देश में जो बाहर से लोग, इंडिया से बाहर लोग देश प्रदेशों में बैठे हुए हैं, उन सब के लिए ये चिंता की बात है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम किस तरह इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। और पास्ट में जैसे आपने सुना होगा न्यूज में, कनाडा ने भी $10 मिलियन भेजा था और हमारे अंटेरियो सरकार ने भी 3000 ऑक्सीजन भेजे थे। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जो भी वहाँ इंडिया में है, इस महामारी को कष्ट दूर होने के लिए जितनी हमारी कोशिश है, हम जगह जगह पे पैसे भेज रहे हैं, सब लोग जिसको भी मेरे कॉन्टेक्ट में लोग हैं उनसे बात करती हूँ, हर कोई अपने अपने तरीके से इंडिया के लिए हेल्प कर रहा है। प्रीति जी, क्योंकि काफी एक्टिव तरीके से आप कनाडा में भारतीयों के लिए काम करती हैं, आपने 2011 में एमपी इलेक्शन के लिए भी वहां पे फाइट किया था, कुछ थोड़े से वोटों की वजह से आप हार गई थी, काफी एक्टिव रही हैं और हैं अभी एक्टिव, काफी एनजीओ में भी काम किया है, कई एनजीओ की चेयरपर्सन आप रह चुकी हैं, काफी राजनीतिक लोगों के टच में भी आप लगातार बनी हुई हैं। अगर हम कनाडा में, कनाडा की बात करें, काफी भारतीय लोग वहां पे बसे हुए हैं, वो लोग जिनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त यहाँ रहते हैं, वो बड़ी चिंता में है अपने रिश्तेदारों को लेकर। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ हफ्ते पहले आपकी और मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपका रिश्तेदार भी इस महामारी के चपेट में आया और उनके दाह संस्कार के लिए भी कोई आपको नहीं मिल पाया, आप बड़ी चिंतित थी। तो ऐसे लोगों की जो चिंता है जो कनाडा में रह रहे हैं, आप उन लोगों के बीच में जाती हैं, उनकी जो परेशानी है वो सुनती हैं, वो किस तरीके से अपने रिश्तेदारों के लिए चिंतित है क्योंकि बैठे हुए हैं वहां पर, क्योंकि अभी फ्लाइट्स भी हैं वो भी कम चल रही हैं, दूर रहकर भी वो अपने लोगों का जो है साथ देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे। देखो जैसे तृप्ता जी, हम हिंदुस्तान हमने छोड़ दिया लेकिन हमारे रूट्स वही हैं,
40 साल से मैं कनाडा में रह रही हूँ, तब भी हमारा जो ध्यान है ना वो हमेशा पीछे रहता है। हम भारतवासी हैं, ले रहेंगे भारतवासी, चाहे हम कैनेडियन हो गए, लेकिन जो हमारे रूट्स हैं वो सारे, दिल हमारा वो हमेशा हिंदुस्तान में रहता है। इसी तरह जितने हमारे कनाडा में बसते हैं लोग हिंदुस्तान से हैं, सभी की यही थॉट्स रहती हैं कि इंडिया के लिए पीछे हम सोचते रहते हैं। तो ये इतना चिंता सबके लिए ये है, और सब बहुत वरीड हैं कि जिन लोगों के रिश्तेदार रहते हैं, मेरे भी कुछ रिश्तेदार रहते थे, तो वो भी, उनमें से भी एक दो की डेथ हुई है। कल भी मेरा रोजाना का एक रूटीन है कि मैं 10-12 फैमिलीज को इंडिया में फोन करती हूँ। मैं रेगुलर जब से मैं कैनेडा में आई हूँ, मैं उसके साथ इन टच हूँ। तो कल जब मैं दिल्ली से स्पेशली बात कर रही थी, वो भी बहुत एक्टिव है, दिल्ली में बहुत काम करते हैं, चाहे गुरुद्वारे की तरफ से ले लें या कहीं और एसोसिएट एनजीओ के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो भी लोग वो बताए, कहते इतना बुरा हाल है, कहते हैं हमारे जितनी फैमिलियां दिल्ली में या चंडीगढ़ में रह रही हैं या कहीं और देशों जगहों पर रह रही हैं, वो सब लोगों को कोरोना हुआ हुआ, बड़ी बुरी तरह हुआ हुआ, सब लोगों को, सब बीमार है। और उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी मेंशन किए, मैं उनके साथ इंटेक्ट थी, उनकी भी डेथ हुई है। देखो ये सबके लिए ये बड़ा बुरी खबर जब आती है तो सबको दुख होता है, हमें बहुत दुख होता है। आपको, आप तो वहाँ देख रहे हैं, हम तो टीवी पे जो चीजें आ रही हैं या लोगों से सुनते हैं हम वो देख रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने ये है। तो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम तो प्रेयर कर सकते हैं बाहर बैठे, या कुछ पैसे की मदद किसको चाहिए हम वो कर सकते हैं इससे ज्यादा। बाकी सबसे बड़ी ये बात मैं आप लोगों को सबको कहूंगी, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, हमारी हाथ जोड़ के आप लोगों को प्रार्थना है कि आप लोग इसको ईजी ना लें। क्योंकि जब मैंने शुरू शुरू में हम बात करते थे लोगों से, जिससे भी पूछते थे, तो ये एक ही बात सुनने में आती थी, नहीं इंडिया को नहीं कुछ होता, इंडिया में लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप लोग बाहर बैठे आप लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ये कुछ नहीं है, ये आएगा चले जाएगा। देखो अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से लोगों से, जब हम गैदरिंग्स लोगों की देखते थे, वहाँ लोग मास्क नहीं पहनते थे, अभी पीछे भी कुछ जगहों पे हमने रैलीज वगैरह गैदरिंग्स देखी, लोग मास्क नहीं पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते थे, तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। देखो कभी क्या होता है कि ये अगर जितना भी हम सोच ले कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जब ये चीज आती है तो ये पूछ के नहीं आती कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं। तो ये जब किसी को लगती है, जिस जो गुजरता है इस दौर से, उसी को पता होता है। तो ये आप लोगों को सबको, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, हम बाहर जितने लोग बैठे हैं, हमारी यही आपके लिए दुआ भी है, प्रेयर भी कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। और ये हमें एक आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना आप लोगों का काम है, अपने आप को आप बचा के रखे जितना बचा के रख सकते हैं। जैसे कि प्रीति ने कहा कि हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और खुद सतर्कता करनी पड़ेगी। जिस तरीके से कहा प्रीति ने कि वो सुन रहे थे कि दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर इतनी गैदरिंग हो रही है, वो काफी डर जाती थी। प्रीति अगर हम कनाडा की बात करें, क्योंकि पूरे विश्व में ये महामारी आई है, पूरे विश्व को इसने हिला के रख दिया, कनाडा में कैसे हालात थे और किस तरीके से यहाँ पर हालात को मेंटेन किया गया? क्योंकि आप काफी एक्टिव हैं वहां पर, भारतीयों के बीच में भी रहती हैं, वहां पे विदेशियों के बीच में भी रहती हैं, आपने बहुत एक्टिव तरीके से वहां पर काम किया है, तो किस तरीके से हालात को वहां पर कंट्रोल किया गया था? देखो जी, यहाँ भी महामारी ने अपना दौर लेके आया, कनाडा में भी, या कोई भी जगह ऐसी बची नहीं थी जहां आया हूँ, और लेकिन कनाडा ने बहुत अच्छे ढंग से इसको हैंडल किया है। हैंडल करने से सबसे पहले कि जैसे ही ये शुरू हुआ, उन्होंने अपने सब लोगों को अवेयरनेस ये लाए कि सब सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज रखें और गैदरिंगें कम करें। तो यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन हम लोगों को दे रखी थी, लॉकडाउन भी हुए थे, जब लॉकडाउन होता था तो घर नहीं से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हम लोग उन चीजों को फॉलो करते थे। जब कभी कोई चीज के लिए हम अवेयरनेस आती है तो उस चीज को जगह हम फॉलो ही नहीं करेंगे तो व्हाट्स द पॉइंट। तो ये फॉलो चीज करनी बहुत जरूरी है। हमारे, मैं अपना काम बताती हूँ कि लास्ट ईयर मार्च से बंद था, तो जब हम मार्च से घर पे बैठे थे, जुलाई में खुला था, तब तक हमें गवर्नमेंट ने कुछ मदद भी की, घर पे बैठे बेनिफिट्स भी हमें मिले जिससे हमारा गुजारा चल रहा था।
अब ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है और हम बाहर जाके अपनी गैदरिंग करें, लुक छुप के करें। तो ये चीजें, सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक हम अपने आप को वो कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो इससे कोई और तरीका नहीं है। तो हम लोगों ने यही सोचा, मैं जब भी हम बैठते हैं घर पे, इवन कि हमारे खुद के ब्रदर सिस्टर्स हम पास पास में रहते हैं, हम एक दूसरे के घरों पे नहीं जाते थे, क्योंकि हमें ये पता है कि हो सकता है अगर मैं जाऊँ, यू डोंट नो हुज कैरियर, ये इस कोरोना को कौन कैरी कर रहा है, आपको ये मालूम नहीं है। हो सकता है कि मैं अगर अपने भाई के या बहन के घर पे जाती हूँ या किसी रिश्तेदार के घर पे जाती हूँ, हो सकता है मैं ही कुछ लेके जा रही हूँ उनके लिए और उन लोगों को सिक कर दूँ, या वहां से मैं खुद लेके अपने घर पे आ जाऊँ। तो ये चीजों का बहुत एहतियात बरतना पड़ता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप, अगर आपको सरकारें कहती है कि घर पे बैठो, बाहर नहीं जाना, एक ही तरीका है इसको कंट्रोल करने का कि हम अपने आप को थोड़ा सा प्रिकॉशंस करना बहुत जरूरी है। बेटी, क्योंकि कनाडा में बहुत भारतीयों की संख्या है, यहाँ पर भारतीय लोग एक अहम पद भी संभाल रहे हैं, कुछ मंत्री पद में भी जो है मंत्री पद में भी बैठे हुए। कनाडा से भारतीयों के लिए काफी मदद भी आई है। क्या आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, भारत के लिए कनाडा इसी तरीके से मदद के लिए तैयार रहेगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भारत झेल रहा है। देखो, आज भी मैं, मेरे को सुबह ईमेल आई थी, हमारे इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी मैं बहुत सालों से मेंबर रही हूँ, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के भी मेंबर बहुत है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मैं मेंबर रही हूँ। तो ये ईमेल सर्कुलेट हो रही है, हर कोई अपने लेवल पे कर रहा है। उन्होंने भी ऐलान किया कि $2 मिलियन इकट्ठा करके भेजा जाए, और भी छोटे छोटे जैसे खालसा एड, आपने सुना होगा, खालसा एड ने भी हर, जब भी कभी कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है तो हमेशा उधर जाती है। तो यहाँ मैंने जितने लोगों से पूछा है, हर एक इंसान ये कहता है कि हमने, कोई कहता है इस ऑर्गेनाइजेशन को भेजी है, रेड क्रॉस को भेजी है, या यहाँ जो कनाडा में रेडियो थाम कर रहे हैं, सोनू सूद का नाम बहुत आगे आ रहा है, उन्होंने रेडियो पे आके बहुत अपने बारे में बताया, फिर लोगों ने उसको पिक किया, तो उसके एनजीओ को वो पैसे भेज रहे हैं, वो खुद जा जाके पैसे दे रहा है। तो इस तरह अगर आपको भी लगता है कि आपकी कोई ऐसी एनजीओ है जो वाकई ही वहां जाके पैसे देते हैं लोगों को जिनको मिलती है, कभी हम बाहर बैठ के लोगों को ये भी सुनने में आता है कि अगर हम भेजे पता नहीं उन लोगों को मिले या ना मिले, तो हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पैसे भेजते हैं, सबकी हार्ड अर्न मनी होती है, कोई भेजता है किसी अच्छे कॉज के लिए, तो उस जगह पे, उन जगहों पे मिल जानी चाहिए। अगर आपके जहन में कभी भी कोई ऐसा हो कि एक एनजीओ ऐसी है, ये काम कर रही है, तो हम, वी आर विलिंग टू हेल्प इंडिया के लिए, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा उसके लिए करें, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी एक हिंदुस्तानी ही है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम कनाडा में जाके इंडिया को भूल गए हैं। और एक कल ही मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि वो चंडीगढ़ सेक्टर 23 में उन्होंने, कोई बाल भवन है वहाँ, जगह रेंट अपनी तरफ से कोई डॉक्टर है, उन्होंने लेके 50 बेड लगाए हैं, तो वो कह रहे थे कि डायरेक्ट आप, आपको पैसे नहीं भेजने की जरूरत, आप जो भी ऑक्सीजन है या मेडिसिन है आप यहाँ से आप बाय करते और उनको वहाँ डिलीवर हो जाएगी, तो आपको रसीद आ जाएगी। तो मेरे बेटे ने ट्राई किया और उसने यहाँ से $250 भेजे, जो कि ₹12,500 थे। तो उसकी राइट में उनकी ईमेल आई, थैंक्स, उन्होंने बोला कि इतने यूनिट हमने, या आपने 25 यूनिट मेडिसिन की वो डिलीवर हो गई है। सो देन आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि ये लोग जो जरूरतमंद है उनको ये चीजें मिल जाए और उनकी जान बचे, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। अगर कोई इंसान यहाँ से किसी की मदद के ऊपर उनकी जान बचती है, तो इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता इंसानियत के नाते। प्रीति, चलते चलते भारतीयों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस दुख की घड़ी को झेल रहे हैं। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खोया, कईयों ने अपने दोस्तों को खोया है, किसी ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। बहुत दुख की घड़ी जो अभी भारत झेल रहा है। हालांकि मैं फिर दोबारा कहूंगी, कुछ राहत की खबर जरूर आई है, कुछ राज्यों में कोविड के मामलों में कमी आई है। बस मेरी सब लोगों को यही प्रार्थना है कि पहले तो जिन लोगों के लव वंस गए, उनके, हम भी उनके दुख में शामिल हैं, हमें भी बाहर बैठ के उतना ही दुख होता है जब हम टीवी पे या रेडियो पे सुनते हैं या एक दूसरे से सुनते हैं, हमें बिल्कुल दुख होता है, हम भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं।
तो बाकी ये है कि सब लोगों को यही बेनती है कि आप अपने आप का विचार करें, और किसी को भी किसी तरह की जरूरत है तो आप जरूर उस इस वक्त इस मौके पे बिल्कुल हेजिटेट ना होए कि हम क्यों किसी से मदद मांगे। ये अभी आपका ये समझ लें कि हक है आपका मांगने का। अगर मैं यहाँ बैठे हूँ तो मेरे पास कुछ है, मैं वहां नहीं जाके कुछ कर सकती, अगर किसी भी तरीके से हम कुछ लोग आपके लिए इसे कर सकते हैं हेल्प, तो डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू। और आप जितनी जल्दी कोशिश करें कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इस दौर से आप निकल जाए। और ये कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो अगर उसको हम पेशेंस के साथ झेल लें तो अच्छा वक्त भी दूर नहीं होता। तो हमें उम्मीद है कि ये जल्दी से इस चीज से राहत मिल जाएगी। आप लोगों को पेशेंस की जरूरत है, आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहेगा हमारे साथ। जब जब आप लोगों को हमारी जरूरत होगी, हम विदेशों में भी बैठे, हम आप लोगों को कभी भी अपना आगे हाथ बढ़ा के आप लोगों की सेवा करेंगे। ये आज हमारे साथ थी, फोन पर मौजूद थी प्रीति लांबा, जो कनाडा में रहती है। पिछले 35 सालों से ये कनाडा में है। उन्नीस फोर्टी सौ इयर्स फोर्टी फोर्टी इयर्स राइट फोर्टी फोर्टी इयर्स से कनाडा में है। 1980 में इन्होंने भारत छोड़ दिया था। जिस तरीके से अगर हम बात करें, प्रीति काफी एक्टिव तरीके से वहां पर काम कर रही हैं, कई एनजीओ में भी काम कर चुकी हैं, और कई एनजीओ में चेयरपर्सन हैं। काफी ज्यादा एक्टिव तरीके से भारतीयों के बीच में रहकर काम कर रही हैं, और कोविड के समय में भारत के लिए काफी एक्टिव तरीके से फंड इकट्ठा कर रही हैं। प्रीति जी, इंडिया 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे इन्हीं मुद्दों पर बातें करते रहेंगे। धन्यवाद थैंक प्रीति यू जी। वेरी मच वंस अगेन। धन्यवाद तृप्ता जी टू हैविंग मी ऑन द ईयर। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।